हेलो एवरीवन, स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को, जिसमें सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट को लेकर ये पूरा एडिटोरियल बेस्ड है। आपने देखा होगा हाल ही में 2002 का जो दंगा है वो फिर से सुर्खियों में आ गया था, क्योंकि 11 अपराधियों को गुजरात गवर्नमेंट ने उनको रिमिशन कर दिया था, मतलब सजा या मुक्ति दे दी थी उनकी सजा होने से पहले। ठीक है, उसी रिगार्डिंग ये एक और अलग टाइप का है। इसमें है दूसरा पक्ष, इसमें है एक एक्टिविस्ट हैं, वो एक्टिविस्ट किसी जो विक्टिम हैं उनके साथ खड़ी हुई थी और उन विक्टिम को लेकर ये चीज़ अब पूरा एडिटोरियल घूम रहा है। तो स्टार्ट करते हैं आज के एडिटोरियल को। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो प्लीज़ हिट द सब्सक्राइब बटन एंड ऑल्सो जॉइन अवर टेलीग्राम चैनल। तो रूली रिगॉफ, एससी हैज़ डन वेल टू रिजेक्ट स्टिप पोजिशन फ्रॉम गवर्नमेंट टू गिविंग बेल टू एक्टिविस्ट। एससी ने एक अच्छा किया, किस चीज़ को, कि गुजरात गवर्नमेंट की जो एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन था इस चीज़ को लेकर कि भाई जो एक्टिविस्ट हैं, मैं अभी आपको नाम बताऊंगा, उनका नाम है तीस्ता सैतलवाद, तो उनको बेल ना मिले इसके लिए गुजरात गवर्नमेंट प्रयास कर रही थी, जबकि एससी ने उसके अगेंस्ट निर्णय दे दिया। द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज डील्ड अ फर्म रिवर्क टू द गुजरात गवर्नमेंट। तो यहाँ इस प्रकार से देखा गया कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया ने गुजरात गवर्नमेंट के साथ बहुत ही सख्ती के साथ पेश आया, विच स्टाउटली अपोज्ड हर रिलीज्ड आफ्टर शोइंग ग्रेट अलाक्टी इन अरेस्टिंग हर फॉर परसुइंग एलिगेशन दैट हाई फंक्शनरीज वर इन्वॉल्व इन गुजरात पोग्रॉम ऑफ 2002। तो यहाँ पर उनके लिए अरेस्ट क्यों किया गया था, उसको अरेस्ट करने के लिए गुजरात गवर्नमेंट बड़ी तत्परता दिखाई, और साथ ही साथ ये भी कहा कि जो हाई फंक्शनरीज हैं वो इन्वॉल्व थी गुजरात में जो दंगे हुए, जो गुजरात का जो तबाही हुई उसके अंदर। द ऑर्डर वाय बेंच हेडेड बाय द चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया जस्टिस यू ललित इज लिमिटेड इन स्कोप एज इट विल नाउ बी द गुजरात हाई कोर्ट दैट विल डिसाइड ऑन ग्रांट ऑफ रेगुलर बेल ऑन मेरिट्स। तो यहाँ पर क्या था, जो इनकी बेल का मैटर है, जो एक्टिविस्ट हैं उनका गुजरात के हाई कोर्ट में चीज़ें चल ही रही थी, लेकिन वहाँ पर क्या हुई थी, सुनवाई नहीं हो पाई तो ये डायरेक्ट पहुँच गई सुप्रीम कोर्ट, और सुप्रीम कोर्ट ने इन्होंने वो कहा था, सुप्रीम कोर्ट ने इनको सही ठहराया और हाई कोर्ट को निर्देशित किया, मतलब गुजरात हाई कोर्ट को, कि आप इनकी बेल के लिए जो भी जरूरी है वो काम कीजिए। हाउएवर इट्स रियल सिग्निफिकेंस इज दैट इट इज़ अ स्ट्रॉन्ग पुशबैक अगेंस्ट अ गवर्नमेंट दैट सीम्स इंटेंट ऑन कीपिंग हर बिहाइंड वॉर फॉर डेयरिंग टू असिस्ट विक्टिम ऑफ हीनियस कम्युनल वायलेंस इन देयर एफर्ट टू सीक जस्टिस। तो यहाँ पर अगर रियल महत्वपूर्ण बात, सिग्निफिकेंस की बात की जाए, महत्वपूर्ण उसके चीज़ की बात की जाए, तो यहाँ पर यह है कि गवर्नमेंट को पुशबैक हुआ है, गुजरात गवर्नमेंट को, जो इस प्रकार के से सोच रही थी, उनका जो इरादा था कि उस एक्टिविस्ट को उसके पीछे ही रखा जाए, जेल के पीछे, एक सलाखों के पीछे ही रखा जाए, जो कि किसकी मदद कर रही थी, एक ऐसे विक्टिम की जो कि 2002 के दंगों में विक्टिम थी, जो शिकार हुई थी। In an earlier judgment that endorsed the finding of special investigation team that absolved Narendra Modi, then the Chief Minister of Supreme Court, virtually convinced for arrest and prosecution of Mr. Settleward and former police officer R.V. Sri Kumar and Sajjeev Bhatt. तो यहाँ पर पहले जो SIT की रिपोर्ट आई, उस रिपोर्ट में वही रिपोर्ट है जिसमें प्रधानमंत्री मोदी को क्या कर दिया गया था, दोष मुक्त कर दिया गया था, उसी रिपोर्ट में इन जो एक्टिविस्ट हैं इनके खिलाफ इस हिसाब से चीज़ें, ये राइटर का पॉइंट है कि इनके खिलाफ, साथ ही साथ संजीव भट्ट के खिलाफ और सैतलवाद के खिलाफ इस SIT ने सुप्रीम कोर्ट में रिपोर्ट पेश की, और उस रिपोर्ट के आधार पर इन सभी को क्या हुआ था, जेल हुआ था। द सुप्रीम कोर्ट हैड अक्यूज हर ऑफ कीपिंग द कोर्ट बोलिंग इन पिजोरेटिव रेफरेंस टू द हेल्थ रेंडर्स टू जाकिया जाफरी अमंगदर इन सीकिंग जस्टिस फॉर द डेथ ऑफ हर हस्बैंड ईशान जाफरी अ फॉर्मर MP एंड मैनी अदर इन द मूव अटैक इन ऑन गुलबर्गा सोसाइटी इन अहमदाबाद। तो यहाँ पर कोर्ट ने इनको अक्यूज आरोपी ठहराया था, ठीक है, किस चीज़ में, कि जो जाकिया जाफरी है उनके जो पति हैं जो फार्मर MP थे, उनकी मौत के लिए जो गुजरात दंगे में मारे गए थे। In case registered in response to Supreme Court order, the three have been accused of being part of conspiracy to forge document and present
फॉल्स एविडेंस इन कोर्ट टू इम्प्लीकेट पॉलिटिकल लीडर्स। तो इन जो केस रजिस्टर हुआ था इंडियन सुप्रीम कोर्ट में के ऑर्डर में, द थ्री हैव बीन अक्यूज, ये तीनों के तीनों अक्यूज थे, और इसमें ये बताया गया था कि उन्होंने पॉलिटिकली कोर्ट इम्प्लीकेट पॉलिटिकल लीडर, तो इम्प्लीकेट जो पॉलिटिकल लीडर को दिखाने के लिए इन्होंने फॉल्सली केस को बनाया, गलत तरीके से बनाया जिससे पॉलिटिकल लीडर फंस सकें। और ये मुझे आपको समझाने में कोई हर्ज नहीं है किस पॉलिटिकल लीडर्स की बात हो रही है। द सुप्रीम कोर्ट रेज सम शार्प एंड पर्टिनेंट क्वेश्चंस टू द स्टेट गवर्नमेंट रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया ड्यूरिंग द आर्गुमेंट। तो यहाँ पर सुप्रीम कोर्ट ने कुछ बहुत महत्वपूर्ण पर्टिनेंट मतलब प्रासंगिक क्वेश्चन रेज किए स्टेट गवर्नमेंट के सामने, रिप्रेजेंटेड बाय द सॉलिसिटर, जो सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के द्वारा किए गए। अ की कंसिडरिंग वॉज अनयूजअली लॉन्ग पोस्टमैन ऑफ द वेल हियरिंग बिफोर द गुजरात हाईकोर्ट विच हैज़ इश्यू नोटिस टू द पुलिस रिटर्नेबल आफ्टर नियरली सिक्स वीक्स। तो यहाँ पर सबसे पहली तो ये बात कि भाई आपकी हाईकोर्ट में अगर सुनवाई चल रही थी तो वो सुनवाई आपने बहुत तेजी से क्यों नहीं की, जबकि छः वीक हो गए जो पुलिस की जो रिटर्नेबल रिपोर्ट है उसको फाइल किए हुए। ठीक है, वाइल द सॉलिसिटर जनरल रेजेज द टेक्निकल ऑब्जेक्शन टू मिस्टर सेतलवाद अप्रोचिंग द सुप्रीम कोर्ट इवन वाइल द हाई कोर्ट प्रोसीडिंग वर ऑन द बेंच वॉज द व्यू दैट सच लॉन्ग एडजर्नमेंट मे वॉरेंट इन रिम्बे अंटिल इट इज़ हियर। तो यहाँ पर फिर सुप्रीम कोर्ट ने, ये सुप्रीम कोर्ट पहुँच गई, सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जब तक ये चल रहा है तब तक इनको इंटरिम बेल दे दी जाए। अल्टीमेटली द बेंच हैज़ क्लेरिफाइड दैट द हाई कोर्ट विल टेक इंडिपेंडेंट व्यू विदाउट बीइंग इन्फ्लुएंस्ड बाय एनी इट्स ऑब्जर्वेशन। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कहा तो है कि इनको बेल दे दो, लेकिन पूरा का पूरा हाई कोर्ट पर कह दिया है कि हाई कोर्ट डिसाइड करेगा कि उसे क्या करना है, हम उस मैटर को भी हस्तक्षेप नहीं करेंगे जो अभी हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग में चल रहा है ना। इट ऑल्सो सीम्स टू हैव टेकन इन टू अकाउंट अ प्रोविजन इन लॉ दैट अलाउ ग्रांट ऑफ बेल ऑन द ग्राउंड दैट अक्यूज इज अ वूमेन। तो यहाँ पर जो अक्यूज हैं वो वूमेन हैं, तो उसके आधार पर भी इसको क्या बेल देने की बात हो रही है। नथिंग दैट द डॉक्यूमेंट अलीजली फोर्स एंड सबमिटेड इन कोर्ट पर्टेंड टू पीरियड प्रीयर टू 2012 एंड कंसिडरिंग दैट सी हैज़ बीन इन कस्टडी फॉर ओवर टू मंथ and had been interrogated in custody for 7 days, the bench rightly felt that granting interim relief would be quite in order. The relief given to Mr. Sethalwas should be welcomed by those who value personal liberty as well as the active and support of the vulnerable. So यहाँ पर सभी के सभी Supreme Court के इस order का जश्न मना रहे हैं और कह रहे हैं ये उनकी जीत है जो आज़ादी पसंद करते हैं, जो खुले अपने अधिकारों की सुरक्षा लेना चाहते हैं, जो कमज़ोर हैं उनकी जीत है। तो ये आप समझ लो ये पूरा का पूरा कैसा पॉइंट है इस निर्णय से, कौन खुश है कौन दुखी है और इसके क्या मायने हैं। सो आप कमेंट करके बता सकते हैं। सो दिस इज़ फॉर टुडेज, थैंक यू फॉर टुडेज एडिटोरियल।